हो गया कंप्लीट। वैगनर ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? कौन सा सिद्धांत था? वैगनर कहाँ का था? जर्मन विद्वान था। सिद्धांत के अनुसार वो कहता है कि संपूर्ण स्थलखंड क्या था? एक पेंजिया। विशाल स्थलखंड, इसको वो नाम देता है पेंजिया। ठीक है, इस पेंजिया के चारों ओर जो हम बात कर रहे हैं जलीय क्षेत्र की, उसको क्या नाम दिया? पेंथालासा। अब वो कहता है कि इसमें विखंडन होता है और विखंडन के परिणाम स्वरूप ये दो भागों में बट जाता है, एक अंगारा लैंड या इसी को कहते हैं लार एशिया, ठीक है, और दूसरा गोडवाना लैंड। और मध्यवर्ती जो जलीय क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया उन्होंने? टैथिस सागर। अब हमने इससे आगे बात की कि अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड में भी पुनः विखंडन होता है। तकरीबन अंतिम ट्रियासिक युग तक, किस युग की बात कर रहे हैं? अंतिम ट्रियासिक, अंतिम ट्रियासिक युग के आसपास आते हुए अंगारा लैंड और गोडवाना लैंड दोनों में विखंडन होता है, और विखंडन के परिणाम स्वरूप जो हमारे उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप हैं जितने भी, उनका निर्माण अंगारा लैंड या लारेशिया से होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं? अरे इतना भी नहीं पढ़े हो क्या? तो फिर बोलते क्यों नहीं आप खुद से? मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, आप मेरे को पढ़ाओगे। आप जब तक यहां नहीं आओगे बोर्ड पे, जब तक मैं जो सवाल पूछूं उसका जवाब नहीं दोगे, तो आप सीखोगे कैसे? नहीं जानते हो तो बताओ कि नहीं जानते उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप है, तब तो मैं लिखूं। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, यूरोप, क्या नाम बताया? एशिया, ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर। ये जो पूरा क्षेत्र था उत्तरी गोलार्ध का, इस उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड, आर्कटिक और आर्कटिक महासागर, ये जो संपूर्ण क्षेत्र था उत्तरी गोलार्ध का, ये बना आपका अंगारा लैंड व लारेशिया से। ठीक है, वहीं हम बात करें गोडवाना लैंड की, तो गोडवाना लैंड से दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र थे, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो क्षेत्र थे इस गोंडवाना लैंड से बने। अगर हम एशिया में यहां स्पेसिफाई करें कि एशिया का जो उत्तरवर्ती क्षेत्र था वो इसके अंतर्गत निर्मित हुआ। जब हम बात करें भारत की, तो भारत की जो स्थिति है वो गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति मानी जाती है। तो भारत के जो नीचे का जो क्षेत्र है, जैसे थाईलैंड है, फिलीपींस है, मालदीव, ये जो पूरा क्षेत्र है, जैसे हम बात करें कि आपका भारत है और भारत के साथ जितने भी इधर देश हैं, बंगाल की खाड़ी में जितने भी देश हैं, इधर मालदीव, यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, वो किससे निर्मित हुआ? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, हम बात करें टैथिस सागर की, तो टैथिस सागर के हिमालय, और थार का मरुस्थल,
हिमालय और थार के मरुस्थल टैथिस सागर से निर्मित हुए। वहीं हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत में, तो प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार हम कह सकते हैं अरावली, जो कि राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अब 1912 में जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। गौर से सुनना, सिर्फ सुनना है। अल्फ्रेड वैगनर जर्मन विद्वान जिन्होंने एक सिद्धांत दिया 1912 में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वो कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी कार्बोनिफेरस युग से पूर्व संपूर्ण पृथ्वी एक विशाल स्थलखंड थी। इस विशाल स्थलखंड को वो नाम देते हैं पेंजिया। इस पेंजिया के चारों ओर एक जलीय क्षेत्र होता है जिसको वो नाम देते हैं पेंथालासा। अब वो कहते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया में विखंडन होता है और पेंजिया विखंडन के परिणाम स्वरूप दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी भाग लारेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोडवाना लैंड कहलाता है। और जो चारों ओर जलीय क्षेत्र था वो मध्यवर्ती क्षेत्र में आ जाता है जिसको वो नाम देते हैं टैथिस सागर। अब आने वाले समय में या कालांतर में अंतिम ट्रियासिक युग के आसपास, ठीक है, इस समय तक इस गोडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों में विखंडन होता है और अंगारा लैंड से जो उत्तरी महाद्वीप है जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर और उत्तरी एशिया, ठीक है, ये अंगारा लैंड से निर्मित होते हैं। वहीं हम बात करें दक्षिणी भाग की, तो गोडवाना लैंड से जो दक्षिण के महाद्वीप है वो निर्मित होते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, प्रायद्वीपीय भारत, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सारे क्षेत्र, ठीक है, इसी से निर्मित होते हैं। हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में प्रायद्वीपीय जो भारत है इसी का विस्तार माना जाता है अरावली, और अरावली राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है, इसलिए अरावली की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गोडवाना लैंड से। वहीं हम बात करें मध्यवर्ती जो टैथिस सागर था, इसमें औषधिकरण से हिमालय की उत्पत्ति, नदियों द्वारा इसका औषधिकरण किया गया, अवसाद से नीचे की तरफ धसने के बाद जब कोई भी चीज है, मान लीजिए आप रुमाल लीजिए, उस रुमाल को दोनों तरफ से पकड़िए और उस पर बीच में बल लगाइए, जब बीच में बल लगाएंगे तो वो एकदम से ऊपर की तरफ आपको फेंकेगा। तो इसी तरह इस क्षेत्र में औषधिकरण हुआ और औषधिकरण से यानी जमाव हुआ, जमाव से जो क्षेत्र था वो एकदम से ऊपर की तरफ उठ गया और वलित पर्वत के रूप में यानी हिमालय के रूप में विकसित हो गया। जैसे ये हिमालय के रूप में विकसित हुआ तो ये जो टैथिस सागर में गाद वगैरह थी, जो अवसाद था, मिट्टी थी, ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई और इसका जमाव हो गया उत्तर के विशाल मैदान के रूप में, और उस उत्तर के विशाल मैदान का ही विस्तार माना जाता है आपका थार का मरुस्थल। इस तरह से राजस्थान जो भौतिक स्वरूप है चार भागों में बटा हुआ है, थार का मरुस्थल, अरावली, पूर्व का मैदान और हाड़ोती पठार, वो चारों प्रदेश टैथिस सागर और गोडवाना लैंड से ही निर्मित हुए। तो हम कह सकते हैं कि टैथिस सागर से कौन कौन से निर्मित हुए, थार का मरुस्थल और पूर्व का मैदान राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि पूर्व के मैदान का ही जो उत्तर का विशाल मैदान है वो उसका ही विस्तार माना जाता है। वहीं हम बात करें गोडवाना लैंड से, तो गोडवाना लैंड का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत है, यानी जो पठारी क्षेत्र है हाड़ोती और अरावली का पठार, ये दोनों गोडवाना लैंड के अवशेष हैं। क्लियर है यहां तक? अगर पूछा जाए कि राजस्थान के चार जो भौतिक प्रदेश हैं, पूर्व का मैदान और थार का मरुस्थल, किसके अवशेष हैं? टैथिस सागर के। किसके अवशेष हैं? टैथिस सागर के। वहीं हम बात करें कि अरावली और हाड़ोती प्रदेश किसका अवशेष है? गोडवाना लैंड का, ठीक है। यहां से यही प्रश्न आता है कि उत्पत्ति के संदर्भ में कि अरावली किसका अवशेष माना जाता है, पेंजिया विखंडन के अनुसार अरावली किसका अवशेष है, ठीक है। अब बात करें हम इनकी उत्पत्ति की, कि किसकी पहले हुई किसकी बाद में हुई, तो सबसे पहले हुई अरावली की। प्रायद्वीपीय जो पठार था उसका विस्तार अरावली का जो था वो प्राचीनतम है। अरावली के बाद जो राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है हाड़ोती का पठार, उसकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हुई पूर्व के मैदान की और उसके बाद हुई थार के मरुस्थल की। इस तरह से चारों भौतिक प्रदेशों का विकास हुआ, ठीक है। यहां तक क्लियर?
किसी को कोई दिक्कत? चलिए दो क्वेश्चन लिखिए। राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में, राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में सही कथन है। चार ऑप्शन डालिए। ऑप्शन ए में उत्तर का विशाल मैदान, और हिमालय, इसी में डाल लीजिए। ऑप्शन ए उत्तर का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान। पहला ऑप्शन है उत्तर का विशाल मैदान और हिमालय, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है अंगारा लैंड व टैथिस सागर, चौथा है गोंडवाना लैंड व हिमालय। इसमें से राजस्थान की उत्पत्ति के संबंध में सही कौन सा है? क्या वो मौन व्रत कर रखा है क्या? बी, वेरी गुड, अच्छा प्रयास किया। हमने अभी बात की है कि जो थार का मरुस्थल, सी नहीं होगा इसका आंसर, बी होगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे। थार का मरुस्थल और पूरो का मैदान, वो किसके अवशेष है? टैथिस सागर के, ठीक है। अगर हम बात करें टैथिस सागर के विस्तार की, तो विस्तार कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान, यानी टैथिस सागर का विस्तार ही क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। वहीं हमने दूसरी बात की अरावली और हाड़ोती के पठार की, तो अरावली और जब हाड़ोती के पठार की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार ही क्या है? हाड़ोती का पठार या अरावली, ठीक है। तो अरावली और हाड़ोती के पठार दोनों किसके हो गए? प्रायद्वीपीय पठार के। इस तरीके से ये प्रश्न थोड़ा सा आपको लगा होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया होता ना तो आपको आसानी से आ जाता। बताओ बताओ, कोई सस्पेंस है? देखो यही तो बात है, मन में मत रखो, जो भी है बोलो, जब तक बोलोगे नहीं तो फिर क्या। कैसे आएगा हाड़ोती और पूरो का मैदान, कैसे आएगा मेरे भाई? देखिए ये जो क्षेत्र है आपका हाड़ोती का पठार है,
और ये जो क्षेत्र है आपका अरावली, ये जो है पूर्व का मैदान और ये थार का। तो अब बताइए आप, हम बात करें अरावली और हाड़ौती के पठार की, ठीक है, तो ये दोनों ही अवशेष किसके हैं? प्रायद्वीपीय पठार या फिर कह सकते हैं हम गोंडवाना लैंड, ठीक है। और बात करें हम थार के मरुस्थल और पूर्व के मैदान की, तो ये किसके हैं? टैथिस सागर या फिर इसको कह दें उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार। बस यहीं से तो पूछा है प्रश्न उसने, आपको आता है लेकिन आप कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि समझ में नहीं आया, इसका मतलब यही हो। अब समझ में आया? अब मेरे हिसाब से कोई सस्पेंस नहीं रहना चाहिए। टैथिस सागर के संदर्भ में थार के मरुस्थल का विकास हुआ, ठीक है। थार के मरुस्थल का विस्तार ही क्या है? ये जो पूर्व का उत्तर का विशाल जो मैदान है वो किसका विस्तार है? थार के, वो उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार है थार का मरुस्थल और पूर्व का मैदान, ठीक है। चलिए इसको मानचित्र में बताता हूं मैं आपको। ये जो आपका है पूरा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति के बाद इसमें से नदियां निकली और यहां जो अवसाद था वो अपने साथ लेके आई, प्रमुख रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र। इन नदियों ने इस पूरे अवसाद को, जो हिमालय पे टैथिस सागर का अवसाद था, उसको नीचे लेके। और ये जो गर्त क्षेत्र था, यानी जब ये वलित पर्वत के रूप में उठा तो यहाँ एक गहरी खाई बन गई, ठीक है। जो यूपी बिहार जो क्षेत्र है, यहाँ एक गहरी खाई बन गई और इस गहरी खाई को धीरे धीरे इन नदियों द्वारा भरा गया। जब ये पूरा भर गया तो इसका विस्तार होने लगा और यही गंगा यमुना, यानी पूरे राजस्थान में यहां तक जो विस्तार हुआ इसका, उसी विस्तार को, यानी टैथिस सागर का जो विस्तार हुआ उसके अवसाद का, उसी को माना जाता है थार का मरुस्थल और दूसरा पूर्व का मैदान। ये भी किसका अवशेष माना जाता है? उत्तर के विशाल मैदान का या टैथिस सागर का। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे नदियां अपना प्रवाह क्षेत्र यानी अवसाद लेके आई और अवसाद जमा करती गई, धीरे धीरे बढ़ता गया वो क्षेत्र और वो अपना मार्ग भी परिवर्तित करती गई, ठीक है। जब नदी अवसाद बढ़ गया, अवसाद के कारण जहां जहां उसको क्षेत्र मिला, क्षेत्र भी परिवर्तित करती चली गई और वो क्षेत्र भी बढ़ता चला गया। जो जो थार हिमालय से नदियां निकली, गंगा ब्रह्मपुत्र, इन नदियों ने जो जमाव किया उत्तर के विशाल मैदान का, यानी जो गहरी खाई बनी उसको भरा, और उसके भरने के बाद आप देखते हो नदी जब आती है तो तेज प्रवाह के साथ आती है, तेज प्रवाह में वो दूर दूर तक फैल जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने इस जो अवसाद था इसको दूर तक फैलाया और उससे इसका निर्माण हुआ, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े तो राजस्थान की उत्पत्ति समझ में आई। राजस्थान की उत्पत्ति अगर पेंज्या विखंडन के अनुसार पूछता है कि पेंज्या विखंडन के अनुसार राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई, तो टैथिस सागर और गोंडवाना लैंड से। अब वो पूछता है किसका विस्तार है, तो किसका विस्तार है? उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के, इसका विस्तार है, ठीक है। गर्मी आपको नहीं लग रही क्या? मैं बोल रहा हूं इसलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं हम नामकरण, ठीक है। दो लाइन और लिख लीजिए आप। राजस्थान को क्या हो गया, वैसे ही बज रहा है। राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली, पूरु का मैदान और हाड़ौती का पठार। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति हुई किससे? अरे अब तो बताओ, अब इतना बता दिया उसके बाद भी नहीं बताओगे क्या? टैथिस सागर से। अरावली की उत्पत्ति हुई गोडवाना लैंड से। पुरु के मैदान की टैथिस सागर, और हाड़ौती के पठार की, ठीक है। वहीं कहे विस्तार की, विस्तार किसका है? तो थार का मरुस्थल किसका विस्तार होगा? अरे अभी तो बताया, उत्तर के विशाल मैदान का। किसका विस्तार होगा? उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है। अरावली किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। पूर्व का मैदान किसका विस्तार है? उत्तर के विशाल मैदान का। और हाड़ौती का पठार किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है। देखो, जब टैथिस सागर में अवसाद ज्यादा बढ़ गया, उसका दबाव अधिक हो गया। दबाव के कारण क्या हुआ कि वो क्षेत्र वलित पर्वत के रूप में ऊपर उठा। वलित पर्वत के रूप में कौन सा? जी, अवसाद, कचरा। अवसाद का मतलब होता है कि कोई भी तालाब क्षेत्र है या नदी क्षेत्र है, जो अपने साथ, अगर नदी है तो बहाकर जो चीज लेके जा रही है वो सारा अवसाद, ठीक है। मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो है वो सब चीज क्या है? अवसाद है। तो हम बात कर रहे थे कि जो टैथिस सागर से जब अवसादीकरण अधिक हो गया तो उससे हिमालय की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। जैसे ही हिमालय की उत्पत्ति हुई तो उसपे से जो नदियां बह रही थी, उन नदियों के प्रवाह से या बहाव से वहां जो टैथिस सागर का अवसाद था वो धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे की तरफ आने लगा। और जो गहरी खाई बनी थी उत्तरी क्षेत्र में, यानी हिमालय के तटवर्ती क्षेत्र में, बिल्कुल जो दक्षिणी भाग था तलहटी में, उस क्षेत्र को धीरे धीरे वो नदियां भरने लगी। भरने के बाद ये धीरे धीरे पूरा क्षेत्र भर गया और इसका फैलाव धीरे धीरे होता चला गया और उसी से इनका निर्माण हुआ। यानी उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कहां से आई मिट्टी? टैथिस सागर, वो हिमालय से। हिमालय से जैसे ही मिट्टी आई उत्तर के विशाल मैदान में, वहां पे जमा हो गई। जमा होने के बाद और क्षेत्र में फैलती गई और उसी का विस्तार क्या हो गया आपका? थार का मरुस्थल और पूर्व का मैदान, ठीक है। यहां तक अब कोई सस्पेंस नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना समझा दिया, इतना तो किसी को नहीं समझाते, इतना आपको समझा दिया। राजस्थान के नामकरण के बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेश के नामकरण की बात करते हैं तो नामकरण सबसे पहले ऋग्वेदिक काल में इसे
ब्रह्म व्रत कहा गया है। ठीक है, ब्रह्म व्रत क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा जी का निवास पुष्कर के आसपास क्षेत्र में माना जाता है, इसलिए इसको ब्रह्म व्रत कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि कहीं, तो रामायण में इसका उल्लेख मिलता है, और रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि द्वारा रचित पुस्तक रामायण में राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग किया, मरु कांतार। ठीक है, देखो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा हूं कि आपके सिलेबस में नामकरण नहीं है, लेकिन एक राजस्थानी होने के नाते आपको इतना जानना बहुत जरूरी, इसलिए बता रहा हूं। मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद हम अगर कहीं उल्लेख की बात करते हैं तो ऐतिहासिक ग्रंथों की बात आती है, ऐतिहासिक शिलालेखों की बात करती है। तो प्रथम शिलालेख था वसंतगढ़, वसंतगढ़ जो कि सिरोही में है। वसंतगढ़ शिलालेख में पहली बार राजस्थान के संदर्भ में राजस्थानादित्य शब्द प्रयोग किया गया। कौन सा? राजस्थानादित्य शब्द प्रयुक्त किया गया। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद मुहूर्त, सबने सुना है, क्या कहा जाता है इसको? वेरी गुड, राजस्थान का अबुल फजल, और इन्हीं की पुस्तक थी नैनसिरी ख्यात, जिसे राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, नैनसिरी ख्यात। इसी में राजस्थान के बारे में यानी राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। इन्हीं के समकालीन एक और थे वीरभाण, जिनकी एक पुस्तक थी राजरूपक, और राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात करें तो इस समय नैनसी और वीरभाण के समय ही यहां पर जिसका शासन था वो था ब्रिटिश। ठीक है, और ब्रिटिशों का बहुत अधिक प्रभाव रहा है राजस्थान के संदर्भ में या पूरे भारत के संदर्भ में कह सकते हैं। तो जो ब्रिटिश थे, एक विद्वान था थॉमस, जॉर्ज थॉमस, जिसने 1800 ईस्वी में जब वो यहां आया आयरलैंड से एक सैनिक कमांडर बनके, तो उसने इस संपूर्ण क्षेत्र को देखा और इस क्षेत्र को देखा कि यहाँ पे राजपूत राजाओं का शासन है, और राजपूत राजाओं का शासन होने के कारण उसने इस प्रदेश को कहा राजपूताना। क्या शब्द नाम लिया? राजपूताना। इसने मौखिक रूप से इस शब्द का प्रयोग किया। अब इन्हीं के एक मित्र और थे विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने इन्हीं के साथ बिताए हुए समय को एक पुस्तक में सजोया, जिस पुस्तक का नाम था, बताएगा कोई? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और 1905 में इस पुस्तक में सबसे पहले राजपूताना शब्द, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का लिखित रूप से प्रयोग किया गया। यानी अगर मौखिक रूप से पूछे कि मौखिक रूप से सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1805 में। उन्हीं के एक मित्र थे 1800 में किया। फिर उन्हीं के एक मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने अपनी यादों को सजोने के लिए यानी जॉर्ज थॉमस के साथ जो बिताए पल थे उनको सजोने के लिए एक पुस्तक लिखी, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, 1805 में। उस पुस्तक में लिखित रूप से पहली बार राजपूताना शब्द का उल्लेख मिलता है। इनके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रसिद्ध विद्वान, हाँ, जिन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, घोड़े वाले बाबा यानी कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने राजस्थान के लिए
1929 में एक पुस्तक लिखी, ओ सॉरी 1829, सॉरी 1829 में एक पुस्तक लिखी, द एनाल्स एंड द एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी का दूसरा नाम क्या था? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट इन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में 1829 में राजस्थान के लिए तीन शब्द प्रयोग किए, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया। तो कह सकते हैं कि राजस्थान के लिए राजस्थान सबसे पहले किसने प्रयोग किया? कर्नल जेम्स टोड ने। और ये बहुत बहुत बार पूछा भी जा चुका है प्रश्न कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। तो ये नामकरण के बारे में। और आगे बढ़े तो हमारा संविधान कब लागू हुआ? उन्नीस सौ 50, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को वैधानिक मान्यता मिली, यानी राजस्थान को, राजस्थान जो हमारा राजस्थान है उसको वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली। लेकिन इससे पहले जो एकीकरण चला था, एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। कौन से चरण में? द्वितीय चरण में। एकीकरण के द्वितीय चरण में क्या नाम था? एकीकरण का द्वितीय चरण, हाँ, पूर्व राजस्थान के नाम से प्रयुक्त किया गया। और सबसे पहले एकीकरण में दूसरे चरण में प्रयुक्त किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1900 संविधान को, जैसे 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ तो इसका वैधानिक स्वरूप प्राप्त हो गया। उस समय इसकी राजधानी जयपुर निर्धारित की गई थी। और वो किसकी सिफारिश पे की गई थी? के एम मुंशी द्वारा। के एम मुंशी के सुझाव के द्वारा ही इसको, यानी जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इसको बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये था नामकरण थोड़ा सा। सबसे पहले ब्रह्मव्रत कहा गया, ऋग्वेदिक काल में इसको क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत। उसके बाद रामायण की बात करें तो रामायण में क्या कहा गया इसको? मरुकांतर। उसके बाद हम बात करें शिलालेखों की, तो शिलालेखों में बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख में पहली बार इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया? राजस्थानी द्वितीय शब्द। हाँ, 625 के लगभग। हाँ, उसके बाद हम बात करें तो 1610 के लगभग मुणोत नयनसी ने अपने एक पुस्तक लिखी, नयनसिरी ख्यात। इसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया। इन्हीं के समकालीन एक और विद्वान हुए वीरभाण। वीरभाण ने अपनी पुस्तक राजरूपक में भी राजस्थान का उल्लेख किया है। वहीं हम बात करें कि उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो वहां से अंग्रेज कमांडर आए, उन्होंने 1800 ईस्वी में एक अंग्रेज कमांडर आए जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, और उन्होंने राजपूत राजाओं के राज्य क्षेत्र को देखकर सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ये मौखिक रूप से था, लिखित रूप से इन्हीं के मित्र ने 1805 में अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में प्रयोग किया। राजपूताना वर्ड का पहली बार प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। किस रूप में? मौखिक रूप में। यही तो मैं बोल रहा हूं कि मौखिक रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? थॉमस ने। और लिखित रूप में अगर पूछे तो फ्रैंकलिन। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मौखिक रूप से जो है वो यूज किया था उसने, लिखा नहीं था कहीं भी, कहीं नहीं लिखा था। लिखा सबसे पहले विलियम फ्रैंकलिन ने था। तो हो गया ना, आप समझ नहीं रहे उसके कथन को। उस हाँ, मैं कोई चीज बोलूं, ठीक है, कि आपका नाम सुरेंद्र है मान लीजिए, ठीक है,
अब मैंने बोल दिया, मैंने कहीं लिखा नहीं ये, और ये है जो मेरे मित्र हैं, इन्होंने उस चीज को लिख दिया कि इन्होंने सब गुरुजी ने सबसे पहले इसको सुरेंद्र बोला था, ठीक है, वो चीज है वो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी स्थिति की, राजस्थान की स्थिति। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, एक जानकारी के तौर पे आपको बताया। राजस्थान की स्थिति देखिए, किसी भी स्थान की स्थिति पढ़ने के लिए सबसे पहले वो दिशा और दशा का ज्ञान जरूरी है। किस चीज का? दिशा। दिशा की बात करें तो दिशाएं मेरे हिसाब से सबको आती होंगी, आती है ना? तो चलिए बताइए कौन सी दिशा है, और ये, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। पूर्व। इनके मध्यवर्ती जो दिशाएं हैं इसको क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व। इसको दक्षिण पूर्व। इसको दक्षिण पश्चिम। और इसको उत्तर पश्चिम। यहां तक आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से उत्तर पूर्व को क्या नाम दिया गया? और यही प्रश्न आया था कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। लेकिन उत्तर पश्चिम को पौराणिक नाम क्या दिया गया? देखिए, उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व को ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईशान। दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व को आग्नेय। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो नैऋत्य कहा जाता है, और उत्तर पश्चिम की बात करें, और यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया डायरेक्ट कि राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है, और उसका उत्तर क्या था ऑप्शन में? वायु। ठीक है, और बात करें, दिशा की बात हो गई, तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्व के संदर्भ में या ग्लोब पर। ग्लोब पर राजस्थान की क्या स्थिति है? जीरो डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर हम बात करें अक्षांशों की दृष्टि से तो राजस्थान की हमारी ये स्थिति है लगभग। यहां राजस्थान है। अगर अक्षांशों की दृष्टि से देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखते हैं तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो राजस्थान की प्रथम यानी विश्व के संदर्भ में क्या स्थिति बनती है? उत्तर पूर्व। विश्व या ग्लोब के संदर्भ में क्या स्थिति बनती है? उत्तर पूर्व। अब हम बात करें महाद्वीप के संदर्भ में यानी एशिया के संदर्भ में, ये आपका एशिया महाद्वीप है, और इस अगर एशिया महाद्वीप को हम बांटे तो तकरीबन इस तरह की स्थिति हो जाएगी। ये आपकी हो गई उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम, और राजस्थान आपका लगभग यहां है। तो राजस्थान महाद्वीप के संदर्भ में क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ठीक है,
विश्व के संदर्भ में उत्तर पूर्व, एशिया के संदर्भ में यानी महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम, और बात करें हम भारत की। तो भारत के लगभग यही है, और भारत को अगर हम चार भागों में बांटे, तो भारत में क्या स्थिति हो जाएगी? ये है आपका उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहां क्या स्थिति हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। तो तीन स्थिति हम पढ़ी विश्व या ग्लोब के संदर्भ में। कौन सी स्थिति हुई विश्व या ग्लोब के संदर्भ में? कौन सी स्थिति हो गई? उत्तर पूर्व। एशिया के संदर्भ में पढ़ी हमने, क्या हो गई? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, वहीं हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में क्या हो गई? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो लिखिए। भारत की वो राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। सबसे पहले तो ये दिशा लिख लीजिए आप। ये दिशा वाला डायग्राम बना लीजिए। बना लिए? बोर्ड भी थोड़ा छोटा है। विश्व या ग्लोब के संदर्भ में लिख लीजिए, इसके आगे उत्तर पूर्व। ठीक है, दूसरी स्थिति एशिया। एशिया में क्या स्थिति है? दक्षिण पश्चिम। बात करें भारत की, उत्तर। ये तीन स्थिति राजस्थान की बनती है। अब इन तीनों को ही हम देखें तो उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं? ईशान। तो इसके आगे लिख लीजिए ईशान। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम को क्या कह रहे हैं? नैऋत्य। ठीक है, वहीं हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम को क्या कह रहे हैं? वायु। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ऐसे लगता है क्या पढ़ेंगे इनको, और यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है ना, उसको आप समझ नहीं पाते। प्रश्न वही आते हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज जो होती है वो आपके लिए कठिन हो जाती है। तो अगर आपके चीज दिमाग में ये सारी चीजें हैं तो आप शायद मेरे हिसाब से कर दोगे। लिख लिया? तो एक क्वेश्चन लिखिए। राजस्थान की स्थिति के संबंध में सही है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम
बताओ क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? कैसे? उत्तर पूर्व के संदर्भ में देखते हैं तो उत्तर पूर्व किसके संदर्भ में बन रहा है? विश्व या ग्लोब पर, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम किसके संदर्भ में बन रहा है? एशिया महाद्वीप के, ठीक है। और बात करें उत्तर पश्चिम की तो भारत के संदर्भ में। अब देखो एक ही चीज है, उसको किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आप ये ना सोचें कि उत्तर पूर्व है तो ठीक है, एक सही है, सारों को पढ़ना है आपको। इस तरीके से प्रश्न आएगा आपके तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। स्थिति समझ में आ गई? अब स्थिति अक्षांश और देशांतर की दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। अक्षांश ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम कह दो या पश्चिम से पूर्व कह दो, तिरछी या लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं काल्पनिक, उनको कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। और 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसका जो ऊपरी भाग है ये उत्तरी गोलार्ध और इसका दक्षिणी भाग है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। या हम यूं कहें कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर या उत्तर दक्षिण का जो कोणीय मान होता है वो अक्षांश रेखाएं हैं। कैसे हैं? मान लीजिए यहां पे हमने प्रकार रखा और यहां एक चाप लगाई, यहां कटा, तो ये जो मान दर्शा रहा है ये कौन सा है? उत्तर से दक्षिण है। जो कोणीय मान है वो कौन सा है? उत्तर से दक्षिण है। तो यूं कह सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई उत्तर से दक्षिण कोणीय मान वाली रेखाएं वो क्या कहलाएंगी? अक्षांश। या फिर यूं कह सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिम या तिरछी या आड़ी, या फिर इनको कह सकते हैं क्षैतिज, ठीक है। क्षैतिज हो गई, आड़ी हो गई, तिरछी हो गई, और उत्तर से दक्षिण कोणीय मान वाली जो रेखाएं होंगी वो क्या होगी? अक्षांश रेखाएं। इनका अधिकतम प्रदर्शन 0 डिग्री द्वारा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस तरीके से कुल अक्षांशों की अगर संख्या पूछे तो 180 और एक ये कितने हो गए? 181। कुल अक्षांशों की संख्या 181। बात करें हम 0 डिग्री से 1 डिग्री अक्षांश पर, ये मान लीजिए हम आ गए, ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ये समान दूरी पर खींची जाती है। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं इनका आकार छोटा होता जाता है और ये पूर्ण वृत्त रेखाएं होती है, ठीक है। और बात करें कि ये जो 111 किलोमीटर की दूरी है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जोन या कटिबंध। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? जोन या कटिबंध, ठीक है।
जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, वहीं हम बात करें 66.5 की, तो 66.5 को कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, और 90 डिग्री को कहते हैं उत्तरी ध्रुव। इसी तरह दक्षिण की बात करें, दक्षिण में 23.5 डिग्री, इसको कहेंगे हम मकर रेखा। 66.5 की बात करें, इसको कहेंगे अंटार्कटिक वृत्त, और इसको कहेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब हम बात करें कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो राजस्थान लगभग राजस्थान का जो बिल्कुल दक्षिणतम विस्तार है, यहां 23.3 डिग्री से शुरू होता है। यानी हम राजस्थान को अगर जूम करके देखें तो यहां बिल्कुल जो दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश है वो 23.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो जो उत्तरी विस्तार है इसका वो है 30 डिग्री, 17 नहीं है, 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इस तरीके से राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 23.3 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर हम इस अक्षांशीय अंतर को निकालें तो कितना होगा, 60 डिग्री 9 मिनट। तो डायरेक्ट वो ये भी दे सकता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, चलिए लिखिए थोड़ा सा। लिखिए अक्षांश रेखाएं। ग्लोब पर खींची गई पूर्व से पश्चिम, या उत्तर से दक्षिण कोणीय मान वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इनका अधिकतम प्रदर्शन नब्बे डिग्री उत्तरी अक्षांश व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश द्वारा किया जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, जीरो डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो भागों में बांटती है।
उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध। इसे भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है। यह लगभग भारत के मध्य से होते हुए आठ राज्यों से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणवर्ती भाग से दक्षिणवर्ती भाग में बांसवाड़ा जिले के मध्य से व डूंगरपुर के चीखली गांव को स्पर्श करते हुए गुजरती है। कोणा गांव गंगानगर में है, बिल्कुल उत्तरी बिंदु। ये जो है आपका, ठीक है, नेक्स्ट लाइन। हाँ वही बता रहा हूं, हमने बात की कर्क रेखा की, भारत में आठ राज्यों से गुजरती है। कहाँ? दक्षिणवर्ती। हाँ बोरकुंडा। भारत में बात करें तो आठ राज्यों से, ठीक है, लिखवा दूंगा, चिंता ना करो, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज दिमाग में सेट करते चलेंगे। फिर वही है, भूलने की आदत नहीं होनी चाहिए ना। अगर आपको कोई चीज बोर्ड पे समझ में आ गई ना तो वो भूलोगे नहीं, रटने की कोशिश करोगे तो कितने दिन रट लोगे। अगर एग्जाम की डेट एक बार खिसक गई ना तो पिछला सब कुछ साफ हो जाएगा, रटने का यही है। और अगर समझ लिया ना कोई चीज कि ये चीज यहाँ है, दिमाग में मानचित्र आ गया, तो समझ लो बेड़ा पार है आपका। है अब कुछ नहीं कह सकते, अब तो ऊपर वाला